अरे जरा करवाओ ना उसके संग, ऊपर पंखा है, सुन रहे हो? चलिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रिज आ चुका है क्योंकि हमारा ये छोटे वाला फ्रिज खराब हो गया था, इसका कंप्रेसर खराब हो गया था, इसलिए हमारा ये नया फ्रिज आया है। अच्छा, इसके नीचे चौकी नहीं आई है जी? मैं क्या करूं, मुझसे बोलो ना। चौकी नहीं आई है, चौकी तो मंगा लो इसकी। पंखा ऑन कर दूं? हेलो, मैं करवाऊं? ये देखिए फ्रिज, देखिए फ्रेंड्स, ये तो 3 स्टार है, 3 स्टार है, 4 है, 5 है, 5 स्टार है। कम बिजली आएगी ना? ये 5। हाँ, फाइव स्टार है। ये भी मेरा 5 स्टार था ना, कम बिजली आती थी इसमें भी, है ना कन्नू? बट से कन्नू सबसे ज्यादा खुश है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ज्योति जैन का जय जिनेन। चलिए मेरे फ्रेंड्स, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, देर से करा, थोड़ा दिमाग ऐसे चल रहा था क्योंकि हमारा फ्रिज खराब हो चुका था, कंप्रेसर उसका खराब हो चुका था और बस यही सोचे थे कि सही कराना बेकार था। आपको पता है कंप्रेसर खराब होने के बाद इसको सही कराना बिल्कुल बेकार रहता है। तो फिलहाल हमने मंगा लिया है नया फ्रिज, जिसकी मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। और क्योंकि गर्मी में अगर कोई चीज़ खराब होती है, खास तौर से फ्रिज, तो ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है। ठंडे पानी वगैरह की ऐसी इच्छा हमारी नहीं होती, लेकिन बच्चों को सब चीज़ें चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, 4:15 बजे हमारा फ्रिज आया है और स्वागत तो हमने उसका कर ही लिया है। तो चलिए, अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू रहेगा मेरा ब्लॉग। पूछना जी, नीचे की साइड लाइट नहीं जल रही है चौकी की, और नीचे लाइट नहीं जल रही, क्या दो आ जाएगा कल अपना समझाने आ जाएगा। दिमाग मत लगाओ, और जो कुछ होगा तो देख लेंगे। नीचे है लाइटें है वैसे, वो ऊपर से सिस्टम होगा। हाँ, सिस्टम होगा, क्या पता इसे बंद कर तब जले वो। नहीं, ऊपर से, अरे वो बता देगा ना सारा, वो मेरे सारा मैनुअल नहीं है, वो ऐसे एक बार सुपर है ना, पर अभी छेड़ना लगा सेंसर है ना इसमें, परेशान हो रहे थे, सब चीजें यूं खराब हो रही थी हमारे। हां यार, वो अभी से पैसे लगते थे खराब हो जाता मेरा, से क्या कह रहे, चौकी की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, नीला नीला हो रहा है पैर? मम्मी देख ले, देखा नहीं तुमने? मम्मी अच्छा निकलेंगी कहाँ से? डाउन 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 डाउन। माय फ्रिज, अब ये कन्नू के साइज का हो गया, कन्नू को झुकना नहीं पड़ेगा।
चलिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे फ्रिज आ चुका है क्योंकि फ्रिज के बिना हमारा काम नहीं चल रहा था। चार दिन से फ्रिज, मतलब चार दिन हो गए थे फ्रिज को खराब हुए और कंप्रेसर खराब हुआ था, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना फिर अब चेंज करा के नया ही ले लेते हैं। तो हमने फाइनली नया फ्रिज आज मंगा लिया है और जो सेट हो चुका है। बाकी का जो जिस कंपनी से ये फ्रिज आया, वो बाकी का वो कल समझा जाएंगे हमें अच्छी तरीके से किस तरीके से इस फ्रिज को मैनेज करना है, किस तरीके से इसको सेट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूंगी। कल फिर मिलूंगी आपसे अच्छे से ब्लॉग में। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर जरूर कीजिए। तो मिलती हूँ कल आपसे, तब तक आप सबको मेरी बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।